या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुदाखलत क्यों नहीं फरमाते? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद फरहान जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक तुर्क मुसलमान मस्जिद नबवी में मस्जिद नबवी शरीफ के अहाते में खड़ा होकर अपनों आँखों देखा वाकया बयान करता है। मैं वहाँ खड़ा देख रहा था कि चार पुलिस वाले किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर एक शख्स नमूदार हुआ तो पुलिस वालों ने भाग कर इसे काबू कर लिया और इसके हाथ जकड़ लिए। नौजवान ने कहा, मुझे दवा और तौसर की इजाज़त दे दो, मेरी बात सुन लो, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ ना चोर हूँ। फिर वो जवान चीखने लगा। मैंने उसे देखा तो ऐसा लगा जैसे मैं उसे जानता हूँ। मैं बताता हूँ कि मैंने उसे कैसे पहचाना। दरअसल मैंने उसे कितनी ही दफ़ा बारगाह रिसालत में रोते हुए देखा है। वो ये एक अल्बानवी नौजवान था। इसकी उम्र 35 या 36 साल के दरमियान थी। इसकी सुनहरी बाल और हल्की सी दाढ़ी थी। मैंने पुलिस वालों से कहा, जब इसका कोई जुर्म नहीं है तो इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर क्या इल्ज़ाम है इसके ऊपर? उन्होंने मुझे कहा, अरे ओ तुर्क, तू पीछे हट, इस मामले में बोलने का तुझे कोई हक नहीं। लेकिन मैंने फिर से कहा, आखिर इसका तुम्हारे साथ क्या मसला है? क्या इसने कोई चोरी की है? उन्होंने कहा, नहीं, यह बंदा 6 साल से इधर मदीना शरीफ में रह रहा है, लेकिन इसका ये क़याम गैर कानूनी है। हम इसे पकड़ कर वापस इसके मुल्क भेजना चाहते हैं, लेकिन ये हर दफ़ा हमें चकमा दे के भाग जाता है और जाकर रोज़ा रसूल में अपना ले लेता है, और हम इसे अंदर जा कर गिरफ़्तार नहीं करना चाहते थे। मैंने पूछा, तो अब इसके साथ क्या करोगे? कहने लगे, हम इसे पकड़ कर जहाज़ में बिठाएंगे और वापस अल्बानिया भेज देंगे। नौजवान मुसलसल रोए जा रहा था और कह रहा था, क्या हुआ, क्या हो जाएगा अगर तुम मुझे छोड़ दोगे? तो देखो, मैं कोई चोर नहीं हूँ, ना मैं किसी से भीख नहीं मांगता, मैं तो इधर बस मोहब्बत रसूल में रह रहा हूँ। पुलिस वालों ने कहा, नहीं, ऐसा जायज़ नहीं है। नौजवान ने कहा, अच्छा, मुझे ज़रा आराम से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अर्ज़ कर लेने दो। फिर नौजवान ने अपना मुँह गुम्बद खिज़रा की तरफ किया। पुलिस वालों ने कहा, चलो कहो जो कहना है। नौजवान ने गुम्बद खिज़रा की तरफ देखा, जो कुछ अरबी में कहा, मैंने समझ लिया। नौजवान कह रहा था, या रसूल अल्लाह, क्या हमारे दरमियान इत्तफाक नहीं हुआ था? क्या मैंने अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा? मैंने अपनी दुकान बंद करके अपना घर बार नहीं छोड़ा और ये अहद करके यहाँ नहीं आया था कि आपके जवार रहमत में रहूँगा? हजूर, ये देख लीजिए, ये मुझे ऐसा करने से मना कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, आप मुदाखलत क्यों नहीं फरमाते? इतने में नौजवान बेहाल होने लगा। पुलिस वाले ने ज़रा ढील दी तो नौजवान नीचे गिर गया। एक पुलिस वाले ने इसे ठुड्डा मारते हुए कहा, ओ धोखेबाज, उठ। लेकिन नौजवान ने कोई रद्द अमल ज़ाहिर ना किया। मैंने पुलिस वालों से कहा, ये नहीं भागेगा, तुम हमामात से पानी लाओ और इसके चेहरे पर डालो। लेकिन नौजवान ने कोई हरकत नहीं कर रहा था। एक पुलिस वाले ने कहा, इसे देखो तो सही, कहीं सचमुच मर ही ना गया हो। दूसरा पुलिस वाला कहने लगा, इसे हमने ऐसी कोई ज़रब नहीं लगाई जिससे ये मर जाए। फिर उन्होंने एम्बुलेंस वालों को फ़ोन किया। इधर से सामने वाले 7 नंबर गेट से एक एम्बुलेंस ले आए। उन्हें नौजवान की शहरक पे हाथ रख कर हरकतें नोट की तो नब्ज़ चेक की और कहने लगे, इसे तो मरे हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं, अब पुलिस वाले जैसे मुजरम हों। नीचे बैठ गए और रोने लगे, और यह मंज़र भी देखने वाला था। उनमें से एक तो अपने दोनों जानों पर हाथ मारते हुए कहता था, अरे हमारे हाथ क्यों ना टूट गए, काश हमें मालूम होता कि ऐसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी शदीद मोहब्बत है, अरे हमारे हाथ क्यों नहीं टूट गए। इसके बाद एम्बुलेंस वालों ने इसे वहाँ से उठाया और जन्नत बुकी की तरफ ले गए। गुस्ल के वक्त भी वहाँ मौजूद था। मैं उन्हें कहता था, मुझे भी हाथ लगाने दो, मुझे भी इसकी चारपाई उठाने दो। जब जनाजा तैयार हो गए, नमाज के लिए जाने लगा तो पुलिस वाले ने मुझे कहा, हमने जितना गुनाह उठाया है बस इतना काफ़ी है, इसे हमारे सवा कोई नहीं उठाएगा, शायद इस तरह हम आखिरत में कुछ राहत मिल जाए। मेरे सामने ही वो नौजवान बार बार कह रहा था, या रसूलल्लाह, आप मुदाखलत क्यों नहीं फरमा रहे? देखें, रसूलल्लाह ने मुदाखलत फरमा दी और मलकुल मौत ने अपना फरीज़ा अदा करके उसे आप तक हमेशा के लिए पहुँचा दिया। अल्लाह हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वैसी ही मोहब्बत
अता फ़रमाई जैसी इस अल्बानवी नौजवान को अता फ़रमाई थी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह हाफिज़।